सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने रेड क्रॉस के सहयोग से ब्लड डोनेट का कार्यक्रम आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर ब्लड डोनेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, देवसर विधायक सुभाष वर्मा, भाजपा युवा अध्यक्ष विनय चौबे सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट किया। इस दौरान विकलांगों को ट्राइसिकल, हॉस्पिटल में मरीजों को फल बांटे गए। कांग्रेस द्वारा बेरोजगार दिवस मनाए जाने को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने कहा कि ये कांग्रेस की पुरानी नीति है, 15 महीने में इनकी सरकार थी जो इनके कर्मों से गिर गई। तो भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के द्वारा आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा और हमारे समस्त इस मंडल जिले के अंतर्गत आने वाले मंडल के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बृहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि हमारे इस जिला कार्यालय में संपन्न हो रहा है। आज उसके तहत इस शुरुआत की कड़ी में मैं स्वयं और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनोद चौबे जी के द्वारा यह ब्लड देकर के कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए आज दिव्यांगों के लिए कुछ कृत्रिम उपकरण भी देने जा रहे हैं और ट्रामा सेंटर और गरीब बस्तियों में जाकर के मोदी जी के जन्म दिवस पर ऐसे मरीजों को, ऐसे बस्तियों में रहने वाले लोगों को हम सब लोग फल वितरण भी करें। आज ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जिनका कि 70वां जन्म दिवस है, इस 70वें जन्म दिवस पर हम प्रत्येक कार्यक्रम 70 कार्यक्रम जो कि सेवा सप्ताह के रूप में हम लोग मना रहे हैं, वह स्वच्छता अभियान को लिया हो या ब्लड डोनेशन से संबंधित हो या कोरोना संक्रमित मरीजों के प्लाज्मा डोनेशन का विषय हो और वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो या वीडियो वर्चुअल रैली का कार्यक्रम हो, इस तरह के कार्यक्रम हमारे पूरे जिले में संपादित हो रहे हैं। मैं अपने इस जिले के समस्त नागरिकों को, समस्त जनता जनार्दन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, 70वां जन्मदिवस हम लोग सप्ताह दिवस सेवा सप्ताह दिवस के रूप में मना रहे हैं। रोज प्रतिदिन लगातार हम लोगों का कार्यक्रम पार्टी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के पूरे भारत में चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज हम लोग सिंगरौली जिला जो माननीय जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गोयल जी के नेतृत्व में आज ब्लड डोनेट कार्यक्रम है, रोज प्रतिदिन इतना एक दिन कार्यक्रम हम लोग करें। आज हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर हमने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णु दत्त शर्मा जी के आह्वान पर युवा मोर्चा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अभिलाष पांडे जी के नेतृत्व में और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय वीरेंद्र गोयल के नेतृत्व में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला सिंगरौली के द्वारा बृहद रक्तदान का आयोजन करके देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिवस हम लोग मना रहे हैं। यही अभी आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस एक तरफ बेरोजगारी दिवस मना रही है, यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। आज हमारा देश कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, एक तरफ लोग कोरोना बीमारी से मर रहे हैं, उनको ब्लड की आवश्यकता है, प्लाज्मा की आवश्यकता है, और आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार हमारे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, जिला नेतृत्व के निर्देश पर हम सभी लोग लगातार ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry ready professionals. Join India's premier skill based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।